लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कोलकाता कांड के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश, सुरक्षा समिति का गठन होगा, अस्पतालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, पुलिस भी रात में करेगी गश्त। और ये तमाम जो नए कानून है ये लाने की बात कही जा रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। कोलकाता कांड के बाद अब ये डॉक्टरों की सुरक्षा के चलते कुछ नए नियम लाए जा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है, सुरक्षा समिति का गठन होगा, अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, पुलिस रात के वक्त गश्त में रहेगी, ताकि अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद, हंगामा, उपद्रव होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। कोलकाता कांड के बाद से लगातार हड़ताल चल रही थी, प्रदर्शन चल रहा था। संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, कोलकाता कांड के बाद अब कुछ नए नियम लाए जा रहे हैं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर, विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, कोलकाता की जो घटना थी उसके बाद से एमपी में भी सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले ले चुकी है, और उसी के अंतर्गत अब स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़े आदेश जारी किए सुरक्षा को लेकर, खासकर किसी भी अस्पताल में डॉक्टरों पर कोई हमला ना हो या किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, उसको लेकर हर अस्पताल में बोर्ड लगाएंगे जाएंगे जिसमें डॉक्टरों पर हमला करने वाले की जानकारी, अगर इस तरह की कानूनी कार्रवाई होगी, एक अलर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल सुरक्षा समिति और हिंसा रोकथाम समिति, ये दो समितियां गठित की जाएगी, और इन दोनों समितियों की सुझाव रहेंगे सभी महत्वपूर्ण, कि किस तरीके से अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था हो और भीड़ अंदर तक ना जा पाए। इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि जो उपाय हैं सुरक्षा के लेकर, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी अस्पताल हैं, इनमें विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि डॉक्टरों के आने जाने से लेकर और उनके जब वो इलाज के समय मौजूद रहे तो वहाँ किसी की भी परिजन की एंट्री ना हो, और वहाँ पर सख्ती की जाएगी, क्योंकि होता है कि परिजनों का विवाद अक्सर इलाज के दौरान हो जाता है, और सरकारी अस्पतालों में तो इस व्यवस्था को बदला जा रहा है इस नई आदेशों के बाद। इसके अलावा जो चिकित्सा कर्मी अपने घर तक आते जाते हैं परिवहन के लिए, तो उन रास्तों में स्ट्रीट लाइट तक लगाई जाएगी। अस्पताल में अब हर कोने पर सीसीटीवी जरूर होगा, अभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी चुनिंदा जगह ही मौजूद है, लेकिन अब सारे अस्पताल जो महत्वपूर्ण है, जहां पर इलाज होता है, वहां पर सीसीटीवी नियमित रूप से लगाए जाएंगे, और इनसे सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाए जाएंगे, और रात के समय पुलिस की गश्त भी बढ़ाई जाएगी। तो ये सारे अहम फैसले उन सभी सरकारी अस्पतालों के लिए लिए गए हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज में इलाज मरीज इलाज के लिए आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम जो दावे किए जा रहे हैं ये बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे, ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर जो संदेह बना हुआ है वो ना रहे। खबर भोपाल से, भोपाल में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है, सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे, बैठक में सभी मोर्चा प्रकोष्ठ की टीम मौजूद रहेगी। सदस्यता अभियान को लेकर दिया जाएगा बड़ा टारगेट, सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां भोपाल में आज बीजेपी एक बड़ी बैठक बुलाई है, और इस बैठक में मुख्य रूप से सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा होनी है। प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है, सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल रहेंगे, और बैठक में सभी मोर्चा प्रकोष्ठ की टीम भी तैनात रहेगी। सदस्यता अभियान को लेकर बड़ा टारगेट दिया जाएगा, सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल रहने वाले हैं। इस अवसर पर भगवान दास सबनानी जी, प्रतिमा बागरे जी, हमारे हरि जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान वरिष्ठ विधायक, अभी क्या अवसर है पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हरिचंद अधिक जी और पहले अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी थे, अभी प्रभारी और रजनीश अग्रवाल जी, मैं अपने इस भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और दो तरह से बात छोटे में करके जाना है क्योंकि तुरंत ग्वालियर निकलना है, इसीलिए मैं सबसे पहले खड़ा भी हुआ हूं, और हम सब ने देखा कि धूमधाम से आपने क्या करा, आज की काल की धूमधाम से आनंद से जन्माष्टमी मनाई, उसके पहले
का त्योहार आनंद से मनाया, लेकिन जैसे कि हमने सबने तय किया, हमारी सरकार बनने के बाद महिला, युवा, किसान, सभी प्रकार के चारों स्तर के माननीय मोदी जी जो बात कही है, ऐसे में रोजगार परक व्यवस्थाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही। उसी नाते से अपने संभाग सरकार की इन्वेस्टर समिट इसी का क्रम जारी, इसमें उज्जैन, जबलपुर, आज ग्वालियर है, आगामी सितंबर में सागर है, फिर रीवा है, और इसी के साथ साथ समान रूप से रोड शो भी हमारी सरकार के लिए इन्वेस्टर अधिकतम आए, इसलिए वो जहां इन्वेस्टमेंट बात चलता मेरी बड़े बड़े केंद्र है उस स्थान में जाकर के उसको आमंत्रित करने का काम करना है। इसलिए मुंबई, मुंबई के बाद कोयम्बटूर, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, 19 सितंबर को मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, ये क्रम भी समान रूप से बनाए गए हैं। और मुझे इस बात का संतोष है, हर तरफ से, हर जगह से सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हमारे क्षेत्र में। लगातार जहां हम इन्वेस्टर सबमिट करते हैं वहां केवल इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं करते, उसी स्थान से पूरे प्रदेश के अंचल में अलग अलग स्थान पर कोई नई। और खबर ग्वालियर से, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज शुरू होने जा रहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। देश विदेश के उद्यमियों और निवेशक पहुंचने वाले हैं। 27 इकाइयों में 1421 करोड़ का निवेश होगा, 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव पर कर सकते हैं कई घोषणाएं, और इस दौरान सीएम 27 उद्योगों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, जहां ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज शुरू होने जा रहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। देश विदेश के उद्यमी और निवेशक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये देखिए किस तरीके से कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, ये छोटी छोटी जो झांकियां लगाई गई हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जानकारी दी जा रही है कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में किस तरीके से अलग अलग जो कलाकार हैं वो निकलकर सामने आए हैं। ग्वालियर में आज होने जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने जा रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ये एक अनोखा पहल शुरू किया है, इससे प्रदेश में ऐतिहासिक निवेश आने की उम्मीद है। निवेश के लिए सरकार क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन करने जा रही है, जिससे प्रदेश में हर सेक्टर में निवेश आएगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। मीठे, मुझे भरोसा है कि अभी तक की जितनी इन्वेस्टर समिट हुई उसमें ये अच्छी, बहुत अच्छी इन्वेस्टर समिट होगी, और जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है, बड़े पैमाने पर लोग पहुंच गए हैं। अब मैं भी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहा हूं, और जो हमने ये अभियान चालू किया संभाग संभाग में इन्वेस्टर सबमिट करने का, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, और जिस ढंग से लोग भरोसा कर रहे हैं हम पे, हम भी वो अपनी अपेक्षाओं के खरे उतरे हिसाब प्रबंधन किया है। बड़े पैमाने पे युवाओं को, खास करके युवाओं को रोजगार की दिशा में ये बड़ा एक रोल अदा करेगा, और नवीन उद्योगपति हमारे स्टेट के भी बने, अपना व्यवसाय बढ़ाए, काम धंधा बढ़ाए, कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ाने में ये बड़ा योगदान रहेगा। और सीधे रुख करेंगे ग्वालियर से, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन और आज मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करने वाले हैं संबंधित, और क्या कुछ जानकारी, क्या तैयारियां वहां पर? बिल्कुल रीनू, देखिए तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां यहां पर की हैं। तमाम जो उद्योगपति, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके आने का सिलसिला जो है वो अभी शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है एक सेमिनार हॉल है जिसमें पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तकरीबन 12 बजे के आसपास सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, चूंकि ये ग्वालियर चंबल संभाग डिफेंस का इलाका, और ऐसे में डिफेंस को लेकर यहां अपार संभावनाएं मानी जा रही है कि इसमें बड़ा निवेश डिफेंस को लेकर आ सकता है। और जिस तरीके से यहाँ सरसों की पैदावार की बात हो, गेहूं की पैदावार की बात हो, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इस बार उम्मीद ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा से ज्यादा लोग फूड प्रोसेसिंग के लिए आएंगे, क्योंकि देखिए व्यापक जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं मिलती है, चाहे वह एयर कनेक्टिविटी की बात हो, दिल्ली से बेहद नजदीक इलाका होता है, रेल मार्ग यहाँ पर है, तो सभी सुविधाएं जो है वो निवेशकों को इस इलाके में मिलती है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है, खासकर फूड प्रोसेसिंग को लेकर हो या फिर डिफेंस को लेकर,
करो, जो वो बड़े इन्वेस्ट आ सकते हैं। हालांकि अभी तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बड़े निवेश जो है वो लगातार इन कॉन्क्लेव के जरिए आ रहे हैं, चाहे वह उज्जैन का कॉन्क्लेव हो, जबलपुर का कॉन्क्लेव हो, या फिर अब जो ग्वालियर में कॉन्क्लेव हो रहा है। देखिए, ग्वालियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि अगर एक समय की बात करूं तो ये इलाका पूरा इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। देश विदेश की जो बड़ी बड़ी उद्योगपति यहां पर इन्वेस्ट करते थे, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि यहां पर इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे खत्म होती गई, और ऐसे में अब उस इंडस्ट्री के वैभव को पुनः एक बार स्थापित करने का मौका जो है वो इस सरकार के पास है। सरकार के चाहे मंत्री हो, स्थानीय सांसद हो, सबका यही कहना है कि एक बार फिर जो ग्वालियर चंबल संभाग का इंडस्ट्री का वैभव था उसे लौटाने का प्रयास जो है वो उस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए किया जा रहा है। तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचेंगे, तमाम जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ। डिफेंस कॉरिडोर की जो मैं बात कर रहा था, यहां पर एक एग्जीबिशन जो है वो लगाया गया है, खासकर वो डिफेंस जो चीजें हैं या ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह की जो बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट के तहत क्या क्या चीजें बनती हैं, किस तरीके से क्या, वो सब कुछ आपको मैं दिखाने का यहाँ प्रयास करूंगा। तो देखिए, ये जो डिफेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो डिफेंस को लेकर यहाँ पर स्पेशल जो है वो यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। इसमें सभी चीजें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग के जो BSF है, खासकर BSF में किस तरह की चीजों का निर्माण होता है और क्या क्या चीजें यहाँ पर बनती है, ये इस पूरे इसके जरिए आप देखिए बाकायदा प्रदर्शनी लगाएगी, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ आए हम उनसे जो वो उनसे वो यहाँ पर समझ सके। कुछ सेना के अधिकारी हमारे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर किस तरह की सर एक जस्ट जी जी, तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो टेक्नोलॉजी से लैस जो चीज़ें बनाई गई हैं BSF की तरफ से वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पहुँच रहे हैं, जो रक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने चाहते हैं, वो यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकें कि कैसे पहले से भी ग्वालियर चंबल संभाग में BSF जो है वो तमाम आयोजित चीज़ों को निर्माण कर रहा हो, चाहे वह ड्रोन की बात हो, गन्स की बात हो। तो इस तरह के जो तमाम जो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो ये समझ सकें ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह की चीज़ों का निर्माण लगातार यहाँ हो रहा है और किस तरह की अपार संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, और तरक्की के क्षेत्र में ग्वालियर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से वेपन्स तैयार हो रहे हैं और ये कितने क्षमता वाले हैं, ये तमाम चीजों की बारीकी। इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉल लगाए गए हैं शैलेंद्र, और हम देख पा रहे हैं वहां पर स्टूडेंट्स भी मौके पर मौजूद है, यानी कि जो छात्र हैं जो नए नए इनोवेशन करते हैं और उनको उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होगा एक बड़े स्टेज पर अपनी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए। बिल्कुल, देखिए न केवल उद्योगपति बल्कि जो मैनेजमेंट के बच्चे हैं, जो इंडस्ट्री के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि वो बारीकियां समझ सके कि जब आप इन्वेस्ट करने आते हैं या कोई भी उद्योगपति आता है किस तरीके से वो उद्योग लगाता है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ की गई है। लेकिन सबसे खास मैं आपको बता रहा था कि डिफेंस के मामले में ग्वालियर चंबल संभाग बेहद समृद्धशाली है, क्योंकि यहाँ BSF हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, CRPF हो, सभी के जो है वो यहाँ पर टुकड़ियां हैं और बड़े बड़े कैंप हैं। तो ऐसे में रक्षा को लेकर देखिए तमाम जो है चीजें वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, ताकि जो लोग रक्षा के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं वो आसानी से समझ पाए कि किस तरीके का निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं बाकी स्टॉल दिखाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ कि और भी जो अलग अलग कंपनियां हैं उनकी तरफ से भी स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर समझ सके। खासकर देखिए मृगनयनी की बात होती है, चंदेरी की साड़ियों की बात होती है, ग्वालियर चंबल संभाग से में इनका निर्माण होता है। तो ऐसे में जो ग्वालियर चंबल संभाग में जो वर्तमान में इंडस्ट्री चल रही है उनमें किस तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं वो भी यहाँ दिखाने का प्रयास जो है वो किया गया है, ताकि जो इन्वेस्टर आए वो ये समझ पाए कि ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह की आबो हवा है, किस तरह की यहाँ पर चीजें हैं, और जो वर्तमान में लोग इंडस्ट्री यहाँ पर संचालित कर रहे हैं उनसे वो रूबरू हो सके और उनसे ये जान सके कि मध्य प्रदेश के खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह की संभावनाएं जो है वो बिल्कुल है। और हम देख पा रहे हैं कि मेला सा लगा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे जहां मुरैना से खबर है, बदमाशों ने छात्र के साथ मारपीट की है, बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर छात्र को जमकर पीटा गया, मारपीट करते हुए छात्र को गलियों में घुमाया भी गया है। कैलारस थाने की पुरानी सब्जी मंडी का पूरा मामला है, छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, छात्र के शरीर पर कई जख्म के निशान है। पीड़ित छात्र ने मामले की थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार छात्र को पीटा क्यों गया, छात्र की बेदम पिटाई की गई और उसके बाद उस छात्र को गलियों में घुमाया गया। दबंगों ने इस तरीके से दबंगई दिखाई कि बीच चौराहे पर उस छात्र को जमकर पीटते हुए नजर आए हैं, कपड़े फाड़ दिए गए उसके।
लोग तमाशबीन बने देखते रहे और अब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची है। FIR दर्ज करवा दी गई है। सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। कोशिश की जा रही है इन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की, गिरफ्तार करने की और ये पता लगाने की कि आखिरकार छात्र के साथ मारपीट का कारण क्या है। खंडवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। बैकवाटर की जद में आए आमोदा गांव पहुंची अधिकारी, जहां संयुक्त कलेक्टर और SDM ने ग्रामीणों से चर्चा की। ट्यूब पर खटिया बांधकर बीमार को नदी पार कराई गई। कलेक्टर ने समस्या के निराकरण के निर्देश दिए हैं और साथ ही वैकल्पिक रूप से NHDC की मदद से यहां पर नाव चलाई जाएगी। तकरीबन 200 लोगों का ये गांव है, जहां पर 200 लोग तकरीबन बच्चे हैं और सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो इस नदी को पार करते हैं, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है पढ़ाई करने के लिए। न्यूज 18 ने इन परेशानियों को, इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद ये असर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सतना में भी न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गायों को घेरकर नदी में बहाने पर एक्शन लिया गया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उफनती नदी में धक्का देकर गायों को बहाया था। स्टॉप डैम में तड़प तड़प कर कई गायों की मौत हो गई और ये तस्वीरें आप देखिए। दर्जनों गायें थी जिन्हें, जो आवारा पशु कहलाती हैं, जिन्हें दौड़ा दिया गया पानी की तरफ और ये गायें डर के कारण पानी के तेज बहाव में बह गई और डूबने से कई गायों की मौत हो गई है। कई गौवंश लापता बताए जा रहे हैं, बीच पानी में बहते हुए दम तोड़ते हुए नजर आए हैं। लोगों ने देखा, इसका वीडियो भी सामने आया है और अब जो आरोपी है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। खबर मुरैना से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटवारी और पंचायत सचिव निलंबित कर दिए गए। एहरोल रपटे पर नहीं बनाई थी बैरिकेटिंग, रपटा पार करते बह गया था बाइक सवार। लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने निलंबित किया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुरैना से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटवारी और पंचायत सचिव निलंबित कर दिए गए। एहरोल रपटे पर बैरिकेटिंग नहीं कराई गई थी और इस दौरान लोग रपटा पार करते हुए नजर आए हैं। लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। सीडी में पकड़ा गया बांग्लादेशी रुहुल आमीन। पकड़े गए बांग्लादेशी युवक पर बड़ा खुलासा। कोलकाता के रास्ते भारत में घुसा था रुहुल आमीन। रुहुल आमीन ने सालों से यहां पर डेरा जमाया हुआ था, यानी कि सीडी में रह रहा था। IB समेत कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पिछले 5 दिनों से युवक से पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी सीडी से, जहां बांग्लादेशी रुहुल आमीन पकड़ा गया है। पकड़े गए बांग्लादेशी युवक पर बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता के रास्ते भारत में यह घुसा था और रुहुल आमीन ने सालों से सीधी में डेरा जमाया हुआ है। IB समेत कई एजेंसियां इससे पूछताछ करने में जुट गई हैं। 5 दिनों से युवक से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्ला गोरी ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर दिया और इसमें उसने अपने स्लीपर सेल से भारत में ट्रेन और पेट्रोल पाइपलाइनों को निशाना बनाने के निर्देश दिए। वीडियो में गोरी ने अपने स्लीपर सेल से रेलगाड़ियों को डिरेल करने और हिंदू नेताओं को टारगेट करने के लिए निर्देशित किया है। वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारतीय रेलवे और ट्रेन को निशाना बनाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। वीडियो में गोरी ने पेट्रोल पाइपलाइन को निशाना बनाने के तरीकों के अलावा प्रेशर कुकर बम से धमाके करने के तरीके भी बताए। फरहतुल्ला गोरी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट का भी मास्टरमाइंड है। आतंकी गोरी का दामाद शाहिद फैजल भी पाकिस्तान में है और दोनों का दक्षिण भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क काफी मजबूत है।
ये लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस के बैनर पर और आईएसआई के इशारे पर भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का ब्रेन वॉश करके आतंकी वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की जांच जारी है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह आतंकी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस की इंक्वायरी कर रही हैं। कानपुर रेलवे हादसे में आतंकी साजिश होने की आशंका इसलिए और बढ़ गई क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्ला गोरी ने एक वीडियो जारी कर दिया और इसमें उसने भारत में ट्रेन और पेट्रोल पाइपलाइनों को निशाना बनाने के निर्देश दिए हैं। वीडियो में गोरी ने अपने स्लीपर सेल में रेलगाड़ियों को डिरेल करने के लिए कहा। दूसरी ओर एसआईटी की टीम ने इस केस में 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। 50 महिलाओं समेत करीब 200 लोगों से पूछताछ की गई है और इसके साथ ही एसआईटी की 9 सदस्यीय टीम ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर, लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, गार्ड 2 और ट्रॉली मैन, 5 आरपीएफ जवान, 4 जीआरपी के जवानों के साथ बयान दर्ज किए हैं। साथ ही फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।